नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, वो मोदी वाला जुमला मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहते हुए थोड़ी शर्म सी महसूस हो रही है और हंसी भी आ रही है। कारण क्या है? आज जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि भारत के पूरे भारतवर्ष के अंदर या पूरे इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ जैसे कोरोना जैसी महामारी ने अपना प्रकोप फैला रखा है, एक डर सा हर व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। डरना लाजमी है क्योंकि हर मनुष्य को जो है मौत से बड़ा डर और कोई नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रभु, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पहली बात तो अपने आप को आप मरा हुआ समझें। जिस प्रकार से एक अंडे के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है, अंडे के अंदर एक बच्चा बनता है, तो उसे संसार के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता और वो अंडे को ही अपना सर्वव्यापी सब कुछ समझता है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वो उस अंडे से बाहर होता है और इस दुनिया को देखता है, तो ये दुनिया उसे अजीब और गरीब लगती है। और आज जो मनुष्य सिर्फ पैसे के पीछे इंसान इंसान की दुर्गति करने पर तुला हुआ है, उस पैसे वाले से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज अगर वो पैसा कमा रहा है और बचा रहा है किस लिए? अपने लिए ना, अपने महल धुमेले खड़े करने के लिए तो, और अपनी गाड़ी बंगलों घूमने के लिए, इसे तो पैसा बचा रहा है, अपने शौक के लिए पैसा बचा रहा है ना। ये मेरा वचन है और सत्य बता रहा हूँ कि जो पैसे के पीछे इंसान इंसान की दुर्गति कर रहा है ना, चलो जो ख़त्म हो रहे हैं संसार से जा रहे हैं उनको तो कंधा देने वाला कोई ना कोई है और दे रहे हैं, लोग अपनी इंसानियत निभा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब ये आदि जनता ख़त्म हो जाएगी और वो सिर्फ पैसे वाले जो हो ना, अपने आप को कहते हैं कि पैसा 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 नहीं बचा पाएगा आपको, क्योंकि दुनिया में जो हो ना मौत पैसे की भूखी नहीं है। वो पैसा किसी काम नहीं आएगा, ये धन दौलत किसी काम नहीं आएगी। मरते समय जो हो ना तड़पोगे तड़फ। आज जो हराम का पैसा कमा रहे हो ना, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरी बात को समझ लो, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं समझा रहा हूँ आपको। एक प्यार के नाते, एक भाई बंधु होने के नाते समझा रहा हूँ। अरे भाई, जिन लोगों की तुम मदद करोगे ना, कल को तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेगा। लेकिन तुम अगर पैसे के लालच में आके इंसान का जो इंसान इंसान का दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, ऐसी कोरोना बीमारी के अंदर हैं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ रहे यार, वो पैसा उससे काम नहीं आने वाला। बड़े बड़े धुलंधर चले गए इस कोरोना के अंदर, बड़े बड़े करोड़पति चले गए, वो लौट के नहीं आएंगे दोबारा। वो गहना करने नहीं गए, कोई रिश्तेदारी में नहीं गए कि 8 दिन बाद लौट के आ जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारा नंबर लगेगा, तुम जो पैसा कमा रहे हो ना, हराम का पैसा कमा रहे हो, एक इंजेक्शन के 1,000-1,00,000 रुपये कमा रहे हो, मेरे मुँह से गाली निकल रही है, लेकिन मैं गाली दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक सबको देखता है। जिस प्रकार से पैदा हुए हो ना, मरोगे ज़रूर तुम एक दिन, लेकिन हमें तो लहाज को कंधा को देने वाला तो कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कोई कंधा देने वाला भी नसीब नहीं होगा। गिद्ध तो रही नहीं, लेकिन कुत्ते ही नोच के खाएंगे तुम लोगों को, ये हम बता रहे हैं। तुम्हें हराम का पैसा जो खा रहे हो ना, ये तुम इन लाशों के ऊपर तुम्हें कुत्ते नोच के खाएंगे, हमें तो कोई लाश का कंधा दे देगा, तुम्हें लाश को कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी सड़क पर लाश पड़ी होगी और कुत्ते नोच के खा रहे होंगे, हरामियों। अबे सुधर जाओ, अबे इंसान को समझो, इंसानियत समझो, इंसान को इंसान समझो। क्योंकि इस संसार में जो पैदा हुए हो ना तुम, इस संसार में जो तुम पैदा हुए हो, उस मालिक की परमपिता परमात्मा की देन हो तुम्हारा शरीर, ये दोबारा नहीं मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये 84 लाख योनी जिन्हें कहते हो ना, कहना आसान है। अबे कुत्ता, बंदर, भेड़, छुचुंदर जिन्हें क्या क्या बनोगे, और गाड़ पे जूते पड़ेंगे, गधा बन जाओगे तो डंडे पड़ेंगे, और कुत्ता बन जाओगे तो रोटी नसीब नहीं होगी। अबे वो मालिक से डरो, इस पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बननी है। तो सुधर जाओ मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, प्रेम से समझा रहा हूँ, वरना एक दिन सबको खा जाऊँगा।
भगवान कृष्ण जी ने यही कहा है, क्योंकि मैं ही हूँ इस संसार के अंदर, सिर्फ परमपिता परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए सुधर जाओ और जितनी मदद हो सके उतनी मदद करो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मान जाओ मेरी बात को, मान जाओ, एक दूसरे की मदद करो, मत बनो सत्ताधारी। रावण था ना, रावण, उसके पास 10 महाविद्याएं थी। 10 महाविद्या का मतलब जानते हो? तुम्हें क्या जानो, तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें सिखाया हो कि 10 महाविद्याएं होती कौन सी हैं, भक्ति कैसे कहते हैं? कभी सीखा जिंदगी में? सिर्फ पैसा कमाना और स्कूल में जाकर ज्ञान नहीं सीखा तुमने, सिर्फ स्कूल में जाकर सिर्फ पढ़ाई करी है विज्ञान की। अबे विज्ञान कहाँ से आया है? जब तुम पैदा हुए जब भी तो विज्ञान है, तुम पैदा ही ना होते तो विज्ञान होता कहाँ से? आज तुम विज्ञान विज्ञान करते हो तो पैदा होने के बाद भी तो विज्ञान कर रहे हो, पैदा ही ना होते तो विज्ञान करते कहाँ से? सुधर जाओ, सुधर जाओ। आज लास्ट समय समझा रहा हूँ तुम्हें, वरना संसार के अंदर एक नहीं बचेगा। मेरे ग्राहक आ गए हैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ, समझ गए प्रभु। सब भी सुधर जाओ, वरना इस पूरी ये जो पृथ्वी है ना, ये इस पर कोई जीवित नहीं बचा। तुम तो क्या, मैं भी नहीं बचूंगा, आज नहीं तो कल नहीं हूँ, बचोगे तुम भी नहीं। पर मुझे तो देने वाले, कंधा देने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर तुम बस नालायक हो एक, जो तुम हराम का खा रहे हो ना, तुम बस सालों कुत्ते नोचेंगे, मैं सही बता रही हूँ। अब भी सुधर जाओ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, जितनी मदद हो सके मदद करो बस। नमो नारायण।